नमस्कार, डिलीशियस फूड रेसिपी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे हलवा स्टाइल अंगूर की खट्टी मीठी चटनी। इसको बनाना एकदम आसान है और 10 मिनट में हमारी अंगूर की खट्टी मीठी चटनी बनके तैयार हो जाती है और ये बच्चों और बड़ों दोनों को बहुत पसंद आती है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 250 ग्राम अंगूर लिया है। आजकल मार्केट में एकदम अच्छे फ्रेश अंगूर आ रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर 250 ग्राम अंगूर लिया है और 250 ग्राम हम यहाँ पर गुड़ लेंगे। जितना हमने अंगूर लिया है उतना ही हम यहाँ पर गुड़ लेंगे। गुड़ को मैंने बारीक बारीक पीस में कर तोड़ लिया है। अब लेंगे मेरे पास हाथ वाला चॉपर है। आप ये इसको या चॉपर है तो सही है, नहीं है तो आप इसको ओवन ऑफ करते हुए मिक्सी में भी आप इसको हल्का हदर हदर अपने अंगूर को पीस सकते हैं। तो मैं यहाँ पर हैंड मेकर, मेरे पास चॉपर है तो मैं इसमें इसको दरदरा पीस के तैयार करूँगी। पहले इसको जो अंदर वाली ब्लेड है इसको हम सेट करेंगे, इसमें डाल देंगे हम अपने अंगूर। इसमें अंगूर एकदम अच्छे से चॉप हो जाएंगे, इसमें ना तो ज़्यादा महीन चॉप होंगे ना ज़्यादा मोटे रहेंगे। इसको अपने आप अपने हिसाब से आप दरदरा या मोटा या पतला आप जैसा भी आप पीस सकते हो, आप उस हिसाब से पीस के आप इसको तैयार कर सकते हैं। अब लगाएंगे इसमें हम ढक्कन और इसके ऊपर हाथ रख के हम इसको इस धागे को खींचते हुए इसको हम एकदम हल्का सा दरदरा पीस के हम इसको तैयार करेंगे। इसमें अच्छे से पीस के तैयार, मिक्सी में एकदम ज़्यादा बारीक पीस जाता है तो इसलिए मैं जब भी टमाटर प्याज पीसती हूँ तो मैं इसी में ज़्यादातर पीस के यूज़ करती हूँ। यहाँ पर मैंने अंगूर को इसमें अच्छे से दरदरा इस तरह का हमने अंगूर पीस के तैयार कर लेना है। अगर ज़्यादा बारीक पीस लेंगे तो हमारे अंगूर का एकदम पतला पानी बन के तैयार हो जाएगा, उसमें हमारी चटनी अच्छी नहीं बनेगी। तो अगर आपके पास ये नहीं है तो आप मिक्सी में पीस रहे हैं तो मिक्सी को ओवन ऑफ करते हुए इसको हल्का सा हमने इस तरह का अंगूर पीस के तैयार कर लेना। मैंने आधा अंगूर को पीस के तैयार कर लिया, आधा अंगूर को मैंने इसमें अलग से रख लिया है। तो अब लेंगे एक कढ़ाई जिसमें हम डाल देंगे अपना घी। मैं यहाँ पर अंगूर की चटनी में घी का तड़के का टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। अगर आपके पास जो भी आप कुकिंग ऑयल यूज़ करते हो आप वो भी इसमें यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पर 1 चम्मच घी डाला। हम ज़्यादा घी या तेल इसमें यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हम चटनी बना रहे हैं, चटनी में थोड़ा घी या तेल से भी काम चल जाता है। घी हमारा यहाँ पर मेल्ट हो गया। अब डाल देंगे इसमें हम गुड़ और उस गुड़ को हमने पानी नहीं डालेंगे इसमें बिल्कुल भी हम, और इसको हम घी के अंदर ही इसको हल्का चलाते हुए इसको फ्लेम को हमने एकदम लो फ्लेम पर इसको हमने मेल्ट कर लेना। अगर हाई फ्लेम पर गुड़ को मेल्ट करेंगे तो हमारा गुड़ का रंग डार्क लाल हो जाएगा और हमारा गुड़ भी हल्का हाथ जल जाएगा तो हमारी चटनी में भी हल्की सी महक हो जाएगी गुड़ जलने की। तो यहाँ पर हमने मीडियम फ्लेम पर हमने गुड़ को एकदम अच्छे से मेल्ट कर लिया, हमने बगैर पानी डाले हमने गुड़ को मेल्ट किया है। यहाँ पर हमारे गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब डालेंगे इसमें हम भुना हुआ जीरा, साथ में धनिया पाउडर डाल देंगे और इस मसाले को हम दोनों को इसमें अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर देंगे। अब डाल देंगे इसमें हम कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च डालने से हमारी सब्ज़ी चटनी का कलर थोड़ा अच्छा आ जाता है और ये तीखी नहीं तीखी कम होती है, तो इसलिए यहाँ पर मैंने 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाले हैं। इसको भी हम यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिर्च डालने से हमारी सब्ज़ी चटनी का रंग हल्का सा लाल आ जाता है, देखो कितना बढ़िया रंग आया है हमारी चटनी में। तो हमें इसी तरह से अपने मिर्च को भी इसमें हमने अच्छे से मिक्स कर दिया। अब डाल देंगे इसमें हम 1 चम्मच हल्दी। हल्दी को भी यहाँ पर हम इसको अच्छे से पका के मिक्स कर लेंगे। इसमें यहाँ पर हमने सारे मसाले को अच्छे से मिक्स कर लिया और पका के हमने इसमें तैयार कर दिया। अब डाल देंगे इसमें हम नमक। नमक मैं यहाँ पर सादा नमक यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो यहाँ पर ब्लैक नमक भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 1 चम्मच ब्लैक नमक सादा नमक यूज़ किया है। इस नमक को भी इसमें हम अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर देंगे। सारे मसाले इसमें हमने चटनी में अच्छे से डाल दिए हैं और हमारी चटनी का कलर भी इतना बढ़िया कलर आ गया है हमारी चटनी में। अब डाल देंगे इसमें हम अपने जो अंगूर कद्दूकस करके रखे थे हमने अपने अंगूर, इसमें अपना वो डाल देंगे। इसमें अंगूर डालने से हमारी चटनी हल्की सी पतली हो जाएगी क्योंकि अंगूर में पानी है, तो गुड़ में जब पानी मिक्स होगा तो गुड़ हमारा पतला हो जाता है, तो हम उसी तरह से हमारी चटनी भी एक बार पतली होगी। यहाँ पर हमने इसमें अंगूर को डाल दिया है। यहाँ पर इस देखो हमने अंगूर डालने से हमारी चटनी का कलर भी हल्का सा चेंज हो गया है। देखो कितना आसान और कितनी जल्दी से हमारी अंगूर की चटनी बनके तैयार हो जा रही है। यहाँ पर हमने अंगूर को डाल दिया है, यहाँ पर हमारे अंगूर भी अच्छे से बॉयल आ गए। अब डाल देंगे इसमें हम 1 चम्मच सौंठ पाउडर। सौंठ पाउडर का टेस्ट अंगूर की चटनी में बहुत अच्छा आता है, तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच सौंठ पाउडर डाल दिया है। अब डाल देंगे इसमें हमने जो हमने अंगूर रखे थे बाकी के वो अंगूर इसमें हम डाल देंगे। ये अंगूर डालने के बाद भी इसको हम अच्छे से यहाँ पे मिक्स करेंगे। इस अंगूर को भी हमने यहाँ पर अच्छे से 5 से 7 मिनट तक इसको अच्छे से पका के हम तैयार करें, जब तक हमारे अंगूर ताकि अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए तब तक इसको हमने लगातार
पका के हमने इसको तैयार कर लेना है। ज़्यादा देर तक इसको नहीं पकाने की ज़रूरत, क्योंकि अंगूर पहले से ही सॉफ्ट होते हैं, तो गर्मी में गर्म में डालेंगे तो अंगूर और भी जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर हमारे अंगूर जल्दी से पक के तैयार हो जाएंगे। और तब तक हमारे अंगूर पकते हैं, तब तक आप हमारे मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और साथ में शेयर कीजिए। यहाँ पर देखो हमारे अंगूर भी अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं और हमारी चटनी का रंग भी कितना अच्छा कलर आ गया है हमारी चटनी में। तो हमने इसी तरह से हमारे अंगूर की चटनी बना के तैयार कर लेंगे और यहाँ पर कर देंगे हम इसको बंद। और इसको हम 5 से 7 मिनट तक ठंडा होने के लिए इसको हम रख देंगे। ये ठंडी होगी तब हमारी चटनी हल्की सी गाढ़ापन में आ जाएगा। इसको हम ढक के रख देंगे। अब यहाँ पर करेंगे हम सर्व। मैंने साइड में अंगूर लगा दिए हैं, बीच में रखेंगे हम कटोरी। अब डालेंगे इसमें हम अपनी चटनी। यहाँ पर हमने अपने अंगूर की चटनी को सर्व कर लिया है। यहाँ पर हमारे अंगूर की चटनी बनके एकदम अच्छे से सर्व करके हमने तैयार कर ली है। और आप लोग मुझे कमेंट में बताना आप लोगों को मेरी अंगूर की चटनी कैसी लगी। और मेरी वीडियो पसंद आए तो मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरी वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।